रुद्रपुर के ट्रांजिट डैम थाना क्षेत्र में एक महिला और नाबालिग भतीजे के साथ अवैध संबंध सामने आए हैं। वहीं जब अवैध संबंधों की जानकारी परिजनों को लगी तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। बता दें कि आरोपी महिला एचआईवी पॉजिटिव है और उसके पति की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके नाबालिग पुत्र के साथ उन्हीं की अपनी भाभी ने, जो कि एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, बैला फुसला करके नाजायज संबंध बनाए। इस पर हमारे द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इसका अन्वेषण किया गया। इसी के दौरान कुछ फैक्ट सामने आए जिसमें उक्त महिला को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचना इसमें की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का संभल कनेक्शन सामने आया, जहां एटीएस ने एक घर में दबिश देकर तलाशी ली। दरअसल गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा अब्बास के संपर्क में संभल के एक शख्स के होने की जानकारी मिली थी। शामली शहर के रेलवे ट्रैक पर कुछ लोगों का एक युवक के साथ विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान करीब 3 से 4 लोग युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आए, जहां शोर शराबा सुनकर पुलिस पहुंची। जीआरपी पुलिस के साथ भी लोगों ने बदतमीजी की। लखनऊ में बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा मकसद उन लोगों को आगे ले जाना था जो एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के लिए समर्पण की भावना पैदा करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे देश के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेशवासियों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पारे में 2 डिग्री सेल्सियस तक उछाल की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 5 दिनों तक पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी रहेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं बना जिसका प्रभाव जो है तो उत्तर प्रदेश में रहा हो। तो पूरी मौसम पूरी तरीके से मार्च के महीने में साफ रहा है, अभी भी साफ है, धूप पूरी तरीके से निकल रही है, तो इससे तापमान में बढ़ोतरी है। जनरली हम कुछ जो पश्चिम विक्षोभ के कारण बरसात हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता रहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अभी अभी तो फिलहाल एक हफ्ते तक तो ये हीट वेव की कंडीशन है और ये बनी रहेगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है जिसके कारण बरसात हो और गर्मी से राहत मिले। पीलीभीत में शिकायतकर्ताओं के द्वारा की गई शिकायत पर सदर तहसील प्रशासन के द्वारा पूर्व महिला ग्राम प्रधान के अवैध ढाबे पर कार्रवाई की गई, जहां आज बुलडोजर चलाते हुए ढाबा को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। आज साहब हमारे बगैर कोशिश कर रहे भाई, हमें नहीं बताया तहसीलदार और लेखपाल आने हुए ने हमारा होटल खता दिया था, और हमारे पास में और कोई जमीन नहीं है और न हमारे पास में कोई करने कोई साधन है, ना हमारे पास में ना साथ बीमार था, ना हम मजदूरी कर सकते हैं। होटल कहाँ पे था आपका? ये दादू शांति रोड मिल के सामने है, बरेली रोड पे। कब से होटल चला रहे थे आप? 25 साल है गए सर। 25 साल चला रहे थे। बताया जा रहा है कि ये जो आपका होटल था सरकारी जगह पे था? वो था पीडब्ल्यूडी में था। सरकारी जगह पे था? पीडब्ल्यूडी में था। पीडब्ल्यूडी के बारे मान लीजिए जितनी जमीन पड़ती उतनी ले सकते थे, तब तक अपना गुजर बसर कर रहे थे सब साहब, मगर इन्हें किशन लाल ने और संतोष ने कार्रवाई करवा के हमारा होटल खदवा दिया। पौड़ी में कोरोना की विकट परिस्थितियों में 185 कोरोना फाइटर्स की नियुक्ति की गई है, जिसकी सेवाएं 31 मार्च में समाप्त कर दी गई हैं, जिसके विरोध में आज इन सभी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये देखने को मिला कि इन्होंने जो है अपना एक जुलूस टाइप का प्रदर्शन किया है, तो मैं इनके पास आया हूँ कि भाई इस तरह का क्या बात है। तो मुझे लगा कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है मंत्री जी की तरफ से, वो मिले हैं, इनको आश्वासन मिला कि हम आगे कुछ करेंगे। तो मैं इनसे यही आग्रह किया, मैंने सभी ये जो अपने छोटे भाई जो कर्मचारी हैं यहाँ के, तो मैंने इनसे यही आग्रह किया है कि आप इस समय जो है ठीक है, आज सांकेतिक रूप में धरना हो गया, जुलूस निकल गई, रैली निकल गई है, आगे आप अपने सरकार से और मंत्री जी के पास जाकर अपनी बात रखें और इसका उचित सॉल्यूशन निकालें, कि मैं मंत्री जी से स्वयं भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बात करूंगा, इतना मेरा कहना है। और आगे प्रयास किया जाएगा कि इनका अच्छा भविष्य होगा और अच्छे प्रयास के लिए हम हमेशा साथ में हैं। कन्नौज में एमएलसी चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां समर्थित प्रधानों सभासदों पीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की, साथ ही सपा एमएलसी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की।
उत्तरांचल लेखपाल संघ द्वारा लक्सर तहसील सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ की लक्सर तहसील की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया। इस कार्यकारिणी का चयन पर्यवेक्षक ब्रजभूषण और शिवपाल सिंह की देखरेख में किया गया। फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील में रिश्वतखोरी करने का मामला चरम पर है, जहां अभी कुछ दिन पहले कायमगंज तहसील में एक बाबू का 40,000 की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अभी भी रिश्वतखोर मानने को तैयार नहीं है। वहीं अभी भी रिश्वतखोरी का सिलसिला लगातार जारी है। फिरोजाबाद में एक सिगरेट को लेकर 5 साथियों में मारपिटाई हो गई, जहां 4 साथियों ने अपने एक साथी को लाठी डंडे से पीट पीट कर अधभरा कर दिया। मौके से फरार हो गए, परिजन युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। नोएडा में जगह जगह पर मिट्टी के बर्तनों के बाजार लगे हुए हैं, ऐसे में इन बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है, वैसे ही मिट्टी के बर्तनों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और लोग मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बता दें कि अमेठी के फुर्सतगंज स्थित इंदिरा उड़ान अकेडमी में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाला है। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में आज चोरों ने सिरमारी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सुबह लगभग 4:30 बजे एक चोर मंदिर में प्रवेश कर साईनाथ के चांदी के चरण पादुका और दानपत्र को लेकर फरार हो गया। 7-9 बजे शयन आरती करने के बाद मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। जब मैं सुबह को 5:15 बजे नीचे उतरा तो सबसे पहले हमारे माली राम, जो मंदिर में राजकुमार माली रहते हैं, उन्होंने कहा दानपात्र गायब दिख रहा है। दानपात्र गायब था, इसके अलावा हमने देखा कि हमारी वेदी पर एक चांदी के चरण पादुका रखे होते हैं, वो चरण पादुका भी गायब थे। और हमारे पैसे जो उसमें चौकी पर कुछ रखे रहते हैं वो रुपए गायब है। दान पात्र में 1 महीने का जो भी पैसा आता था वो 1 महीने बाद हम खोलते हैं, कितने थे ये पता नहीं, परंतु वो चोरी निकला। जब हमने CCTV फुटेज में देखा तो एक चोर व्यक्ति बाकायदा 4:30 बजे मंदिर में प्रवेश करता है, काफ़ी देर रहता है, जो दान पात्र हमारे फिक्स है उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब वो नहीं ले जा पाता है तो जो दान पात्र ओपन रखा था वो ले गया है, चरण पादुका ले जाके उसने दीवार पर मंदिर की गेट पर रखी। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रणवीर सिंह ने आगामी त्यौहार और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण किया, जिसमें थाना हल्दौर, थाना क्षेत्र ग्राम खरी और छालू में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए आमजन की सुरक्षा का जायजा लिया। हल्दौर का गांव खारी जो मेन रोड पर है काफ़ी पॉपुलेटेड है और सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील गाँव है। यहाँ पर आज रूट मार्च किया गया, फुट पेट्रोलिंग किया गया। यहाँ पर फर्स्ट टाइम फुट पेट्रोलिंग हुआ और निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ की सांप्रदायिकता को देखते हुए, नवरात्र और रमजान को देखते हुए लगातार यहाँ पर यहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस। चमोली में BJP ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया, जहां पर पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में चमोली में BJP के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ और अपने पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली के पूरे 18 मंडलों में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, और उनके कुशल नेतृत्व में सबसे पहले हमने अपने पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया, उसके तत्पश्चात मोदी जी का उद्बोधन सुना, और उसके बाद हमने अभी आपने देखा होगा कि फल वितरित वृद्धाश्रम में फल वितरित कार्यक्रम किया, और इसके साथ साथ जो हमारे पूरे 18 मंडलों में जो हमारे ये पखवाड़े 7 दिन जो हमारे 20 तारीख तक जो हमको ये स्वच्छता हो, रक्तदान हो और अन्य कार्यक्रम जो हमारी जन कल्याण योजनाएं हैं हमारी माननीय मोदी जी की, वो हम बूथ तक, प्रत्येक बूथ तक, 18 मंडलों तक पहुंचाने में महिला मोर्चा की पहली प्राथमिकता ये होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रातः 9 बजे भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय कार्यालय पर ध्वजारोहण किया, झंडारोहण किया। तत्पश्चात 10 बजे से माननीय मोदी जी का उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना, और उसके बाद हम लोगों ने जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और भगिनी जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया, उनके लिए हमने सम्मान समारोह किया, उनको सॉल बैंड की उनको पुरस्कृत किया। तत्पश्चात हम वहाँ से निकले, अभी हम वृद्धाश्रम में आए हैं और वृद्धाश्रम में हमने वृद्धजनों को फल वितरण किए, उनके हाल चाल पहुँचे, और इस तरीके से हम ये पखवाड़ा पूरा आज से लेकर के 20 तारीख तक अनेक कार्यक्रम हम पूरे जनपद में चलाने वाले हैं। मैं
मेरा तो सबसे पहले स्थापना दिवस की सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के और समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मनाई और यहाँ पर वृद्धाश्रम में आ करके वृद्धजनों को फल वितरित करके उनको शुभकामनाएँ दी और उनकी दीर्घायु की कामना की, जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और एक भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में इस समय सरकार बनी है। मैं सरकार को भी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और सब लोगों को ये संदेश दूँगी कि जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जनसंघ और अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी पार्टी काम करती जाए। ताज नगरी में सूरज के तापमान ने मार्च अप्रैल में ही मई और जून जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों को चढ़ता सूरज तपती दोपहर ने घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है, तो वहीं गर्मी की तपेश और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देख रहे हैं कि अप्रैल माह में भी काफी 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, इसको देखते हुए हम लोग ने अलर्ट जारी कर दिया है और आज हम लोग अब पर डे रिपोर्ट भी कलेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह चिकित्सालयों में जो इससे ग्रसित लोग हैं हीट स्ट्रोक से अगर आ रहे हैं तो हम लोग तत्काल अपनी सुविधाओं को और एनहांस कर पाएँ। इसके अतिरिक्त हम लोग ने सभी चिकित्सालयों में प्रचुर मात्रा में आईवी फ्लूइड उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उल्टी और दस्त से रिलेटेड जो भी दवाएं हैं वो सारी सभी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अगर देख रहे हैं कि अगर इसकी अन्य कोई बीमारी जो हीट के कारण होता है अगर वो भी हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एक कार्यशाला भी कर रहे हैं, जिससे कि जो भी दिक्कतें हों उसको हम लोग जान पाएँ। फील्ड स्टाफ हमारा बहुत सारा इस सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, उनको भी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि कोल्ड चैन हमें मेंटेन करनी होती है वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड वैक्सीनेशन और साथ में मिशन इंद्रधनुष भी इस समय चल रहा है, उसको देखते हुए भी उनको ये एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है कि अपनी कोल्ड चैन को मेंटेन रखें। आगरा के अतमादपुर थाना क्षेत्र के बुढ़िया काल के पेट्रोल पंप के पीछे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां मृतक व्यक्ति का नाम नरेश बताया जा रहा है, तो वही परिजनों का आरोप है कि सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गाँव पड़ता है यहाँ पर हाईवे पर गदरपुर थाना क्षेत्र में, इसमें 19-20 साल का एक युवक है लड़का जिसकी गन शॉट इंजरी से डेथ हुई है और उसमें मौके पर जैसे सूचना मिली पुलिस गई और देखा है तो पंचनामा भरकर उसमें पीएम के लिए अभी बॉडी को भेज दिया गया है और उसमें अभी घर वालों से भी पूछताछ हुई है तो उसमें इनका ये कहना है कि इसमें सुसाइड किया है, तो हम लोग हर एंगल पर जांच कर रहे हैं, पूछताछ की जाएगी, बाकी भी अन्य जो भी एविडेंस होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसमें दोनों तरह से सुसाइड है या मर्डर है उसमें इस एंगल पर भी जांच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उस पर उसका भी मतलब पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है तो उससे भी काफ़ी मदद मिल जाएगी।